अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। आखिर रिश्तों में एक ऐसी दरारें आ गई, देखते देखते गुजरने वाली जिंदगी में न जाने हमने कितना कीना कपट बुग्ज को पाल लिया था। खासकर मुस्लिम समाज की बात की जाए तो वो कहाँ जो अपने अखलाक को दुनिया के सामने पेश किया करते थे। सिर्फ खून के रिश्ते ही नहीं बल्कि ईमान और कलमे के किन मजबूत धागों में बांध रखा था, पर धीरे धीरे कहाँ से कहाँ आ गए। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतने मसरूफ दिनों में भी जहाँ सुबह शाम इंसान चंद रुपये और अपनी जरूरतों को पूरे करने में लगा रहा है, वहीं फिजूल हरकतों में भी मुलव्वस पाया जाता। वैसे अब दीन मजहब खौफ खुदा इसमें कहीं नजर नहीं आता। मोहल्ले में बेवजह गरीब बेटा बेटी के रिश्ते भी होते हैं तो उन्हें अनजान फोन के जरिए या यूं कहते हुए कि तुम्हारे भलाई के लिए बता रहा हूँ कि लड़का या लड़की अच्छी नहीं है, मेहरबानी करके आप रिश्ता न करें। अब यह बात भी छिपी हुई नहीं है कि मोहल्लों में किस कदर के खुराफात में नौजवान लड़का लड़कियां मुलव्वस देखने को मिल रहा है। लिहाजा माशरे को अगर बेहतर बनाना है तो अपने घरों से ही इसकी सफाई जरूरी हो जाती है। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर याद आता है कि एक ही सप में खड़े हो गए महमूद अयाज, न बंदा रहा न बंदा नवाज। ये सबक सीखने और सिखाने वाली कौम एक ही सप में खड़े होकर इत्तेहाद का मुजाहरा करती थी, अब एक ही सप में तो खड़े हुए लेकिन बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम माशरे के सामने कितने चैलेंजेस हैं, दुश्मनों की साजिशें मंसूबे रोजाना बनाए जा रहे हैं और हमारा समाज अपने ही घरों के झगड़ों में, अड़ोस पड़ोस के साथ दूरियां, जमातों में भी कई जमातें, मस्जिद में भी ना इत्तेफाक, आखिर किस कदर बिखरता हुआ मुसलमान आने वाले हालात का मुकाबला कर सकता है। नस्लें दांव पर लगी हुई है, बहन भाई चाचा दोस्त अहबाब सभी रिश्ते मतलबी होते जा रहे हैं। दीनदारी महज एक रस्म बन चुकी है जो अपने इत्मीनान के लिए किए जा रहे हैं। वैसे पहले टीवी ने और अब मोबाइल ने हर एक की दुनिया ही को अलग बना दिया है। एक ही सोफे पर चार लोग बैठे हैं जो चारों के अलग अलग सोच है, अलग अलग मोबाइल के शोज में वो मुब्तला है। पहले छोटे घर हुआ करते तो एक ही छत के नीचे खानदान को देखने मिलता था। सभी ईद त्योहार तकरीबात में एक ही छत में एक दूसरे से गले मिलकर अच्छे बुरे वक्त में ऐसा साथ को तकसीम करते थे, दुख दर्द को बांट लिया करते थे। उस वक्त अगर आज के मुकाबले में देखा जाए तो इल्म उतना नहीं था पर अमल और खुलूस बेशुमार था। दौलत आई तो रिश्तों को दौलत के तराजू में तोलना भी शुरू किया गया। कभी भाई बहन तमाम रिश्तेदार, छोटी सी तकरीब भी होती थी तो मोहब्बत अकवत का इजहार करते हुए अच्छे बुरे वक्त में दौड़ कर चले जाते थे। पर अब किसी का इंतकाल भी होता है तो गिने चुने रिश्तेदार महज रस्म अदा करने के लिए पहुंच जाते हैं और दिगर अहबाब तो मोबाइल पर ही इन लिल्लाही का स्टीकर चस्पा कर अपने जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाते हैं। क्या क्या बदल गए, और जहां भी कहीं इत्तफाक से मिल भी जाते हैं तो बड़े कौमी हमदर्द बन जाते हैं और कौम की हमदर्द की तरह कभी फलस्तीन कभी तुर्की पर तबसरे करते हुए देखने को मिलता है। अपने घरों में हम रिश्तेदारी तो सही से निभाते नहीं है पर फिक्र फलस्तीन की करके कौमी कितना दर्द अपने अंदर होने का ढोंग करते हैं। आखिर अल्लाह ने ये रिश्ते रिश्तेदारी क्यों बनाई है, क्या सिर्फ अमीर दौलतमंद लोगों को ही दावत में ही मदऊ किया जाए, फिर कैसे एक बेहतर इस्लामी माशरा तश्कील दे पाएंगे। मस्जिद के इमाम जिम्मेदारों से लेकर समाज का आखिरी फर्द तक कहीं तो अपनी ही जिंदगी और दुनियादारी की भीड़ में वो खो चुका है। वाकई ये हदीस बुजुर्गों के किस्से है, महज ज़हनी अय्याशियों के लिए सुने और दोहराए जा रहे। ईद भी कभी हकीकत में ईद हुआ करती थी, अब तो छोटे बच्चों का बचपन ही कहीं मोबाइल की दुनिया में खो चुका है। छोटे बच्चे मोबाइल के बगैर खाना नहीं खा रहे, छोटे बच्चे तक घंटों मोबाइल पर अपनी आंखें गड़ाए रहते हैं, मोबाइल छीन लिया जाए तो चीखने चिल्लाने लगते हैं। एक ज़हनी बीमार पूरा समाज हो चुका है, अब उसके पास रिश्ते निभाने के लिए कोई वक्त नहीं है। कभी चाचा चाची दादा दादी माँ बाप फूफू खाला न जाने कितने रिश्ते बिल्कुल करीब हुआ करते थे, पर सभी रिश्ते इस दौर में दूर हो चुके हैं। कौन कितना अमीर बन जाता है उसकी बुनियाद पर दावतों में बुलाया जाता है। ईद की मुबारकबाद भी फोन के जरिए ही दी जाती है, या तो शादी ब्याह या मौत मिट्टी में बजाते खुद कुछ लोग शरीक होते हैं। इसके लिए भी अखाद मखसूस शख्स शरीक होता है तो वो भी रस्मी तौर पर। कभी वो दौर भी हुआ करता था जब शादी ब्याह मौत मिट्टी में कई कई दिनों तक एक ही जगह पर सभी जमा होकर अच्छी बुरी तकरीब को अंजाम दिए जाते थे, पर पता नहीं ये कौन सा दौर हम देख रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। अब तो वालिदैन ही को औलाद पहचानने से इनकार कर रही है, दिगर रिश्तों की बात ही न पूछो तो बेहतर है। बहनें बेटियां कभी घर की जीनत रौनक हुआ करती थी, पर मुफाद परस्ती और मादा परस्ती के दौर में वो भी अलग हो चुके हैं। बहू बेटी बहन ननद सभी औरतें ही हैं पर एक दूसरे को दुश्मन समझकर सिर्फ मियां बीवी बच्चे ही इनकी दुनिया बन चुकी है। कहीं किसी हादसे में शोहर का इंतकाल या तलाक से सामना हुआ तो बिचारी का जीना ही दुश्वार हो जाता है। भले शादियां हो भी जाए तो माँ बाप का घर बेटियों को अजीज रहता है, पर अब वो भी छीन लिया गया है।
बेटियों को विरासत में हिस्सा तो अक्सर बेशतर लोग नहीं देते और अपने आप को दीनदार समझते हैं, वो अलग बात है। ज़कात का इनकार करने वाले लखपति समाज में देखने को मिलते हैं, पर उमरा की तफरी को दीनी फरीजा समझकर बार बार जाने वाले नाम निहाद दीनदार हर गली मोहल्ले में नजर आते हैं। रिश्तेदारियों में इंतहा के खटास शिद्दत इख्तियार कर रही है, यहाँ तक कि दुश्मनी निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी में किसी पीर बाबा का कारोबार भी चल जाता है। आखिर यह माशरा कैसे तरक्की कर सकता है जिसकी शबो रोज छोटी सोच के साथ गुजर रही है। इसका महदूद दायरा समाज में तरक्की की बजाय तनजुली का सबब बन रहा है। इसी छोटी सोच के साथ घरों से निकलकर किसी मस्जिद की जमात का मेंबर भी बन जाता है तो वहां भी इसी छोटी सोच का मुजहरा ही देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी फितरत बन चुकी है। क्या मस्जिद की जमात कमेटियों में इख्तलाफात देखने को नहीं मिलते? आखिर क्या वजह है कि मोहल्ले की छोटी जमात भी मुत्तहिद नहीं रहती? मतलब जमात का जिम्मेदार अपने बहन भाइयों बेटियों रिश्तेदारों के हुकूक नहीं निभा सकता, पर मोहल्ले में सिर्फ रसूख और रुपये वाला होने की बुनियाद पर उसे सदर बनाया जाता है और अपनी सोच के हिसाब से मस्जिद के पाकिजा माहौल को वो शख्स आलूदा बनाने में उसे गलत नहीं लगता। इंसान की सोच ही उसका अक्स होता है और जहां भी जाता है वो अपनी छाप छोड़ देता है, वो नकुश वहां पर वह नक्श कर देता है। किसी अच्छे और नेक शख्स की पहचान उसका बजाहिर दीनदार होना या नमाजी होना नहीं होता, बल्कि अपने रिश्तेदारों अपने भाइयों बहनों से बर्ताव अड़ोस पड़ोस से मामलात से मालूम किया जा सकता है। हमने बेलगाम शहर में ही ऐसे कई बूढ़े वालिदैन को देखा है जो खुद के बच्चों से परेशान रोते बिलखते हुए रहते हैं। अब बताए तो सही कि अपने खुद के माँ बाप ही का पास व लिहाज न रहे तो दिगर रिश्ते क्या निभा पाएंगे? फिर इस समाज की बेहतरी फला बहबुदी को कैसे तकमील तक पहुंचा पाएंगे? किसी जमात की मजलिसों में बैठकर खुद अपने दिल को तसल्ली तो दे सकता है कि वो मुसलमानों का कुछ हद तक हमदर्द है या खिदमत भी अंजाम दे रहा है। अल्लाह के सामने रोने की भी एक्टिंग कर सकते हैं, पर वालिदैन अगर बेटे के खौफ से कुछ नहीं बोल रहे और आंखों से उनके एक भी आंसू जारी हो रहा है तो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिर भले ही आप तहज्जुद में ही उठकर क्यों ना दुआ करें। बहनों के लिए हुकूक, भाइयों से अच्छा सलूक और दिगर रिश्तेदारी वसी नजरिए से अदा करनी पड़ती है। किसी ने मुझे सलाम नहीं किया इसलिए मैं सलाम नहीं करूंगा, या उसने मुझे दावत नहीं दी इसलिए मैं भी उसको दावत नहीं दूंगा। इस तरह की सोच मुस्लिम माशरे को तबाह करने की वजह बन सकती है। यकीनन इस समाज में तब्दीली लाना चुनौती है, पर हर फर्द न सही, कुछ लोग भी रिश्तेदारियों को खुलूस के साथ निभाते हैं तो माशरे में बदलाव जरूर हो सकता है। लेकिन दिल को बड़ा करना होता है, नजरिए को वसी रखना पड़ता है कि ना बुग्ज कपट समाज को दीमक की तरह चाट लेते हैं और पता भी नहीं चलता कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जरूरत है हमारे अंदर तब्दीली लाने की। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।